बढ़ती ठंड के साथ आजकल संसद के भीतर राजनीतिक पारा लगातार हाई होता जा रहा है। मोदी के खिलाफ विपक्षी मिमिक्री से लेकर डायलॉगगिरी तक में हाथ आजमा रहे हैं। ये सवाल विपक्ष की गंभीर रणनीति का है, क्योंकि विपक्ष के सामने है ब्रांड मोदी, जो बीते करीब 10 सालों में बीजेपी के लिए विजय की गारंटी बन चुका है। फिर चाहे वो आज की कानून की किताब से गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात हो, अनुच्छेद 370 हो, राम मंदिर तक के वो बड़े संकल्प जो मोदी की गारंटी के पूरा होने की मजबूत और साकार तस्वीर गढ़ते नजर आते हैं। और विपक्षी नेता भी मानने लगे कि मोदी का सिर्फ नाम का। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे, एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी। नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, इनको किसी ने भी ताकत देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सारा मंथन, सारा चिंतन, सारा जतन और विरोधाभासों से भरा सारा गठबंधन सिर्फ एक चेहरे को लेकर है, एक चेहरे के इर्द गिर्द है, राजनीति के एक ब्रांड के विरुद्ध है। वो नाम है नरेंद्र मोदी। जो करीब एक दशक से सत्ता के वनवास से जूझते विपक्ष को राज्यों से लेकर केंद्र तक की राजनीति में पैर जमाने का मौका नहीं दे रहा। सबसे अहम बात ये कि लोकतंत्र की लड़ाई में हर बार लगातार ब्रांड मोदी और मजबूत बनकर उभरता है। विपक्ष का एक जगह गणित बैठता है तो तीन जगह बिखर जाता है। दो बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षर सा लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया था इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने माननीय कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान हुए। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। अगर देश का सियासी नक्शा देखें तो अब देश के 58% क्षेत्रफल और 57% आबादी पर बीजेपी का शासन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा, तो वहीं महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी के साथ सत्ता में है। इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर बीजेपी का विजयी ग्राफ बना हुआ है तो इसके पीछे एक मजबूत ब्रांड पर भरोसा है और वो ब्रांड है मोदी। तो क्या विपक्षी गठबंधन 2024 में अविजित ब्रांड मोदी को चुनौती दे पाने की स्थिति में दिखता है, खासकर तब जब खुद विपक्ष भी ये मानने लगा हो कि बीजेपी के लिए मोदी का चेहरा दमदार है, असरदार है। देखिए, जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल
2024 के मैदान में मोदी को घेरने का जो चारा विपक्षी पार्टियों के पास बचता है वो क्षेत्रीय दलों की घेरेबंदी पर ज्यादा आधारित है। इसके साथ कांग्रेस का जीना चक्रव्यूह है ताकि विपक्ष का वोट बटे नहीं। जातीय राजनीति का दांव है जो हालिया चुनाव में बेदम साबित हुआ है और सभी 28 पार्टियों के कुल मिलाकर वोटों के समीकरण पर भरोसा है। लेकिन जो सबसे बड़ा टोटा विपक्षी गठबंधन के सामने मोदी से टक्कर लेने को लेकर है वो है बड़े और दमदार मुद्दों का अभाव और किसी गवर्नेंस मॉडल का ना होना। दूसरी तरफ मोदी का अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बड़े मुद्दों को पूरा करने की बात है। वहीं विकास और 2047 तक के विकसित भारत का एक विजनरी मॉडल है। तो क्या यही वजह है कि मोदी के नाम के आगे विपक्ष का चेहरा फाइनल होने में इतनी असमंजस की स्थिति है? इसके पीछे एक और बड़ी वजह है, वो है इंडी गठबंधन के भीतर टकराती महत्वाकांक्षाएं और क्षेत्रीय दलों की इच्छाएं। तभी तो ममता बनर्जी गठबंधन की बैठक में पीएम पद के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखती हैं और दूसरी पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। खबर तो ये भी आई कि ममता के इस प्रस्ताव से लालू और नीतीश नाराज हो गए। अरे तुम हिले हुए हो क्या भाई? हाँ किया था, बहुत बड़े वाले अरविंद जी भी मेरे को सपोर्ट किया था। दादा उठना मत, हाँ किया है। नहीं नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है तो हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? जब भीतर ही भरोसे का इतना अभाव हो तो बाहर कौन भाव देगा? खासकर कर्नाटक विजय के बाद से तनी हुई कांग्रेस शिथिल पड़ चुकी है। तीन राज्यों में मिली करारी हार के बाद ये बात उसे समझ आ गई है कि फिलहाल राहुल गांधी को ब्रांड बनने में अभी वक्त है। ये भी एक सच है कि उस वक्त को इंडी गठबंधन के साथी दल खुद भी कभी आने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस एक और जगह बुरी तरह फंसी हुई है जिसे लेकर पार्टी के भीतर खुद उसके नेता आगाह करते रहे हैं। इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य कारण क्या था? नरेंद्र मोदी को हटाना, बीजेपी की सरकार को हटाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। और इसी नजरिए से अगर देखें तो लगता है जैसे देश जब 2024 के आम चुनावों की दहलीज पर है तो एक नैरेटिव बिना कहे बनने लगा है। वो ये कि विपक्ष के पास राजनीति का नेगेटिव मॉडल है तो वहीं मोदी के पास भविष्य के भारत की पॉजिटिव तस्वीर है जो उम्मीदों से भरी है, जिसमें आज कल परसों के नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत का रिफ्लेक्शन है जो तेजी से बदलती दुनिया में भारत के समय और रोल को बखूबी देख रहा है। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा 2047 में, 2047 में विकसित भारत बन जाएगा। यही लाइन और विजन मोदी के कन्विक्शन पर लोगों का भरोसा मजबूत करती है। 2014 के बाद से देश की राजनीति में मोदी फिनोमिनन सिर्फ अपनी चुनावी रणनीति की वजह से नहीं बल्कि मोदी के संवाद पर बने विश्वास के दम पर चला है जो गांव, कस्बे और मेट्रो शहरों को भावनात्मक तौर से जोड़ता है।
इसका असर हालिया चुनाव में दिखा भी है। तभी तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिना सीएम के चेहरे के मैदान में उतरी बीजेपी को जनता ने वोट सिर्फ मोदी को देख कर दिया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री भर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री भर्सेस गहलोत वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये भी देखा है बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे, एक ही मोहर है प्रधानमंत्री और मोदी जी। लेकिन कांग्रेस के पास कौन सा मोहरा है, क्योंकि जिस मोहरे को भारत जोड़ो यात्रा के बाद मोदी के मुकाबले बिसात पर उतारा गया था, वो अब तक तो इंडी गठबंधन के दलों का भरोसा तक नहीं जीत सका है। सच ये है कि जिस लड़ाई को कांग्रेस जातीय दांव पर आसानी से जीत जाने का स्वप्न देख रही थी, वो सिवाय दिवा स्वप्न के कुछ और नहीं था। ये बात खुद कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम भी कह चुके हैं। ये कि हवा बीजेपी की तरफ है, लेकिन हवा का रुख बदल सकता है। बीजेपी कभी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, वो हर लड़ाई को ऐसे लड़ती है जैसे ये उसकी आखिरी लड़ाई हो। विरोधी दलों को एहसास होना चाहिए कि बीजेपी किस तरह मुकाबला करती है। ये वो स्वीकारोक्ति है जो 24 के रण से पहले कांग्रेस को ही नहीं बल्कि सीधे कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाने वाला है। मोदी नाम से डर सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, बल्कि अब तो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी डर रहे हैं, जो लोकसभा में मोदी सरकार के क्रिमिनल लॉ के 3 बिल्स पर चर्चा के दौरान दिखा। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ, तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस कन, अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या बोलो, कहां मारोगे बताओ, अरे तुम कहां मारोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। बहरहाल एक तरफ मोदी ब्रांड 2024 में भी हैट्रिक की गारंटी दे रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने हार की हैट्रिक का डर है। इंडी गठबंधन की केमिस्ट्री फिलहाल 2014 से लेकर अब तक की चुनावी हिस्ट्री को बदलने में नाकाम दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे उसके लिए चुनौती मोदी से ज्यादा मोदी का नाम हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।